फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल उत्तपम। वेजिटेबल उत्तपम बनाने के लिए मैंने ये बड़ा एक प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर और कैप्सिकम को इस तरह से काट लिया है और अब हम इसे वेजिटेबल चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर देंगे। और अब हमें ये बैटर चाहिए उत्तपम बनाने के लिए। ये डोसे का ही बैटर हम उत्तपम के लिए यूज़ करते हैं। तेल इसे सेकने के लिए काली मिर्ची और नमक और ये हरी धनिया गार्निशिंग के लिए। अब हम सबसे पहले ये सारे वेजिटेबल्स को इस चॉपर में इस तरह से चॉप करेंगे। ये हमारे सारे वेजिटेबल्स मैंने इस तरीके से चॉप कर लिए। इसे इन सबको हम इकट्ठा चॉप्ड कर सकते हैं। अब हम इसे उत्तपम के बैटर में डालेंगे। ये देखिए, हमने ये सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, और ये ब्लैक पेपर डालेंगे। अगर आपको लाल मिर्ची डालनी है तो आप डाल सकते हैं। अब ये इस तरीके से थोड़ा थिक रहना चाहिए, पतला नहीं। अब हम धनिया अभी नहीं डालेंगे क्योंकि धनिया फिर अंदर जल जाएगा। अब ये देखिए, हमारा ये बैटर उत्तपम का रेडी हो गया है। अब हमने ये एक पैन लिया है। अब हम इसमें पहले थोड़ा ऑयल का ग्रीसिंग कर देते हैं इस तरीके से। और अब ये हमें देख लेना है, अब ये थोड़ा पक गया और इसे लो फ्लेम पे रखना है, फुल नहीं। अब ये देखिए, अब हम ये उत्तपम का बैटर इसमें डालेंगे इस तरीके से, और इसे इस तरह से राउंड शेप में फैला देंगे। अब हम ये ब्लैक पेपर इस पे इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे और ये धनिया भी इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। ये धनिया इस तरीके से स्प्रिंकल किया। अब हम ये थोड़ा ऑयल इसके आसपास डालेंगे ताकि वो नीचे चिपके नहीं, और इसे लो फ्लेम पे लीड ढक के सेकने देंगे। ये देखिए, अब हमारा ये उत्तपम अच्छे से पक गया है। इसे दो साइड पकाने की ज़रूरत नहीं है, आप लीड ढक देंगे तो ये अपने आप ही आगे पीछे अच्छे से पक जाएगा। बस एक बार ऐसे रोस्ट कर दीजिए। ये देखिए, जरा से ऑयल में एकदम ऑयल फ्री उत्तपम बन गया। अब हम इसे गर्मा गर्म खाएंगे और नारियल की चटनी के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये वेजिटेबल उत्तपम हम नारियल की चटनी के साथ सर्व कर। वेजिटेबल उत्तपम विद नारियल चटनी इज रेडी टू ईट। अगर आपको मेरी ये वेजिटेबल उत्तपम की रेसिपी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।